है दोस्तों A20s जो सैमसंग कंपनी से बना हुआ है। दोस्तों इसमें क्या फीचर्स दिया है और क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, ये वीडियो में पूरा रिव्यू करूंगा और अनबॉक्सिंग भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये बजट मोबाइल में हमको लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। करते हैं दोस्तों इसका अनलॉक जो सील्ड लगा हुआ है और आप देख सकते हैं ये मैं इसको दोनों साइड से सील्ड को अनलॉक कर दिया हूँ। तो उसके बाद खोलते हैं हमारा बॉक्स, बॉक्स में क्या क्या निकलता है, क्या क्या नहीं निकलता है, क्या क्या देखने को मिलेगा, सब चीज़ को आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा। बॉक्स ओपन करते ही दोस्तों और एक बॉक्स हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसको रखते हैं साइड में, हमारे निकालते हैं जो मेन कॉन्टेंट है A20s, इसको भी रखते हैं साइड में दोस्तों, पहले देख लेते हैं और क्या क्या इस बॉक्स में हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये 9 वोल्ट 15 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जर है जो कि चार्जिंग टाइम बहुत ही कम समय में फुल चार्ज कर लेता है। और देख रहे हैं ये दोस्तों ये टाइप USB टू टाइप सी केबल मेरे हाथ में है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट करता है ये टाइप USB टू टाइप सी केबल। उसके बाद दोस्तों एक सिम इजेक्टर पिन दिया है जो कि हमको सिम लगाने के लिए मदद करेगा, इसको भी रखते हैं साइड में दोस्तों। अगर गाना सुनने के आप शौकीन रखते हैं तो इसमें आपको हेडफोन या ईयरफोन देखने के लिए या फिर सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बॉक्स को हम लोग और एक बार ओपन कर लेते हैं जो पहले रखे थे साइड में। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल और एक बारकोड के साथ जो सैमसंग कंपनी की ओर से हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसको भी रखते हैं साइड में दोस्तों और जो हमारा मेन कंटेंट है जो कि आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, इसका दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है लगा है उसका ऊपर पन्नी। हम इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलेगा और कैसा इसका क्वालिटी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसका ट्रिपल कैमरा की, जो कि अब फोटो की शौकीन रखते हैं तो बहुत ही बेहतर फोटो मिलने वाला है। बात करते हैं इसका पीछे बैक पैनल की, तो इसमें ग्लास फिनिश दिया है जो कि प्लास्टिक का बॉडी लगा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले की, तो इसमें IPS LCD कैपेसिटी टच स्क्रीन लगा हुआ है जो कि 16 मिलियन कलर्स के साथ देखने को मिलेगा। 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है जो कि 81.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको बूटिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग को क्या क्या इसमें और फीचर्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको बूटिंग कर लेते हैं और कर लेते हैं इसको पूरा ऑन, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये पूरा बूटिंग हो गया है, अभी ये हो गया है चालू और इसका देखते हैं इसका कैमरा परफॉर्मेंस कैसा दिखाता है हमको और मिलता है देखने के लिए। तो इसका कैमरे की बात करें तो दोस्तों ये इसका मेन कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि 1.8 अपर्चर के साथ 27mm एंगल के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरे कैमरे की बात करेंगे तो दोस्तों 8 मेगापिक्सल का जो है 2.2 एपर्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। 13 नैनोमीटर का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। और तीसरे कैमरा की बात करें तो दोस्तों ये 5 मेगापिक्सल का एपर्चर 2.2 डेप्थ सेंसर है जो कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया फोटो हमको देखने के लिए इस मोबाइल में मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सामने की ओर जो सेल्फी कैमरा लगा हुआ है ये 8 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है जो कि इसका एपर्चर है 2.0 है जो कि 1080 पिक्सल में 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।
दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो इसका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, जो कि हमको देखने के लिए अभी मिलेगा इसमें एंड्रॉयड 9, जो कि पाए अपडेट में मिल जाएगा। उसमें आगे अपडेट भी हो सकता है जो इसमें आने वाला है एंड्रॉयड 10 में। बात करें इसके चिपसेट की तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 जो कि 14 नैनोमीटर में बना हुआ है, और सीपीयू की बात करें तो इसमें ओक्टा कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के साथ कॉर्टेक्स A53 इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें जीपीयू जो लगा हुआ है एड्रेनो 506 इसमें इनबिल्ट है। दोस्तों ये मार्केट में हमको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएगा, जो 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी और ये 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ में, जो कि eMMC 5.1। दोस्तों ये मोबाइल पे हमको जो सैमसंग का One UI 2.0 हमको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और उसमें बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये दे रहा है। आगे चला के इसमें देखेंगे कि इसमें इसका जो परफॉर्मेंस हमको कैसे देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं, कोई अगर आप ये 820S चला रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या ये बजट रेंज में हमको ये लेना चाहिए या फिर नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताएं।